हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायोड क्लैंपर सर्किट के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने डायोड क्लिपर सर्किट के बारे में पढ़ा था और यह है क्लैंपर सर्किट। क्लिपर सर्किट में हम क्या करते थे, जो भी हमारा वेव फॉर्म होता था उसमें से अनवांटेड जो वेव फॉर्म थे उसे क्लिप कर देते थे, रिमूव कर देते थे। अब क्लैंपर सर्किट में क्या होगा, क्लैंपर सर्किट में हमारा वेव फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा वेव फॉर्म है उसकी जो डीसी लेवल है वो शिफ्ट होगी। डीसी लेवल शिफ्ट होगी यानी क्या, ये वेव फॉर्म है, ठीक है। अब ये वेव फॉर्म में ये इनपुट था तो आउटपुट में इसका डीसी लेवल नेगेटिव साइड चला गया। डीसी यानी क्या, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये वेव फॉर्म का पहले डायरेक्शन चेंज होता था, अब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, क्यों, नेगेटिव साइड में ही रह रहा है, ठीक है। यहां पे ये वेव फॉर्म इनपुट में दिया तो आउटपुट में क्या हुआ, इसका डीसी लेवल पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो क्लैंपर का यूज क्या हो गया, वो शेप को चेंज नहीं करता वेव के, सिर्फ और सिर्फ डीसी लेवल को शिफ्ट कर देता है। अब क्लिपर सर्किट में हमने क्या देखा था, क्लिपर सर्किट में हमने दो डिवाइस के यूज करे थे, कौन से थे, एक तो डायोड था और रेजिस्टेंस था। यहां पे क्लैंपर में हम तीन डिवाइस यूज करेंगे डीसी लेवल शिफ्ट करने के लिए, कौन से होंगे, डायोड रेजिस्टेंस वही होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा डिवाइस यूज करेंगे जो कि होगा कैपेसिटर। अब ये जो क्लैंपर सर्किट है उसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, तो दोनों टाइप देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं नेगेटिव क्लैंपर। नेगेटिव क्लैंपर यानी क्या, डीसी लेवल शिफ्ट करेगा कहां पे, नेगेटिव साइड में। तो ये हमारा इनपुट वेव है एसी फॉर्म, उसमें क्या करने वाला है, नेगेटिव क्लैंपर यानी जो डीसी लेवल है यहां पे लिखा है डीसी लेवल को नेगेटिव साइड शिफ्ट कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा देख लेते हैं। तीन डिवाइस यूज करेंगे, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है इनपुट सोर्स से, दूसरा डायोड पैरेलल में कनेक्ट किया है इससे, तीसरा रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में है। अब कैसे स्टार्ट करें कि पहले तो हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे, तो यहां पे फर्स्ट हाफ साइकिल दी इनपुट में, ये इनपुट का वेव फॉर्म है, इनपुट में फर्स्ट हाफ साइकिल दी यानी ये प्लस ये माइनस। डायोड पे यहां पे ये प्लस आ गया, यहां पे माइनस आ गया, यानी पी टाइप के साथ पॉजिटिव, एन टाइप के साथ नेगेटिव, यानी करेक्ट कनेक्शन, यानी ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया यानी करंट फ्लो कराएगा। अगर डायोड ने प्लस हाफ साइकिल में करंट फ्लो कराया तो आउटपुट पे कुछ नहीं जाने वाला, आउटपुट पे करंट जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि डायोड करंट फ्लो जब करा रहा होता है तब वो आइडियल डायोड बन जाता है, जिससे करके इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो जब करंट यहां से प्लस से ये पॉइंट पे आएगा तब करंट क्या देखेगा, यहां पे लो रेजिस्टिव पाथ है या यहां पे लो रेजिस्टिव पाथ है, तो बट ऑब्वियस यहां पे तो रेजिस्टेंस है, तो हमेशा करंट लो रेजिस्टिव पाथ सिलेक्ट करेगा, जिससे करके करंट ये डायोड में से फ्लो हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कोई भी करंट जाएगा नहीं आउटपुट पे। तो डायग्राम में भी हम देख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये ऊपर की साइड कुछ भी आउटपुट नहीं है, ठीक है, यानी आउटपुट पे कुछ गया नहीं। अब जब करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, तब क्या होगा, ये कैपेसिटर है वो भी चार्ज होगा, वो कहां तक चार्ज होगा, वी पोटेंशियल तक चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ये सोर्स जो है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल वी के बराबर है, यहां लिखा है मैक्सिमम पोटेंशियल वी के बराबर है, कैपेसिटर वी जितना चार्ज हो जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, करंट जाएगा नहीं, यानी आउटपुट पे पॉजिटिव साइड कुछ वेवफॉर्म मिलेगा नहीं, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली किसकी, पॉजिटिव साइकिल की। अब हाफ नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं, तो वापस पोलैरिटी चेंज यानी ये प्लस ये माइनस, ये प्लस यहां पे, ये यहां पे माइनस। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये एन के साथ प्लस पी के साथ माइनस, यानी रॉन्ग कनेक्शन, यानी ये डायोड अब रिवर्स बायस बन गया, रिवर्स बायस बन गया यानी कुछ भी करंट फ्लो नहीं कराएगा, कुछ भी करंट फ्लो नहीं कराएगा यानी सर्किट ब्रेक हो गई है, टूट गई है, यानी कि यहां से पॉजिटिव से जो भी करंट निकलेगा यहां तो जाएगा नहीं, सर्किट बंद है, क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस हो गया है, तो करंट अब आउटपुट में जाएगा, यानी आउटपुट में कितना पोटेंशियल जा रहा है, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल वी जा रहा है, और साथ साथ में ये जो कैपेसिटर है ये भी तो वी पोटेंशियल का चार्ज रिलीज करेगा, यहां पे तो जा नहीं पाएगा, इसका चार्ज बंद है, सर्किट रिवर्स बायस है, तो ये कैपेसिटर भी आउटपुट पे वी पोटेंशियल दे देगा। ये वी पोटेंशियल किसने दिया,
ये हमारे सोर्स ने दिया, ये भी पोटेंशियल किसने दिया, जो चार्ज हुआ था पॉजिटिव साइकिल में ये कैपेसिटर उसने भी दिया, यानी आउटपुट पे हमें 2V के बराबर पोटेंशियल मिल जाएगा, कब, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो आप देख सकते हो ये -2V के बराबर हमें पोटेंशियल मिल जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, जिससे करके डीसी लेवल नेगेटिव साइड शिफ्ट हो चुका है। लास्ट देख लेते हैं पॉजिटिव क्लैंपर। पॉजिटिव क्लैंपर क्या करेगा, ये जो हमारा वेवफॉर्म है ये वेवफॉर्म को पॉजिटिव क्लैंपर, इसका जो डीसी लेवल है वो पॉजिटिव साइड शिफ्ट करा देगा, नेगेटिव साइड कुछ रखेगा नहीं। कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना के रखा है, डायोड और रेजिस्टर दोनों पैरेलल में है, कैपेसिटर सोर्स के साथ सीरीज में है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इनपुट फर्स्ट हाफ साइकिल देंगे, फर्स्ट हाफ साइकिल अगर हमने दी तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी एन टाइप के साथ प्लस, पी टाइप के साथ माइनस, रॉन्ग कनेक्शन यानी रिवर्स बायस यानी करंट फ्लो होगा नहीं। अगर करंट फ्लो नहीं हुआ यानी ओपन सर्किट हो गया, तो करंट पॉजिटिव से निकला कहां जाएगा, यहां पे आउटपुट में चला जाएगा और हमें आउटपुट में कुछ वेवफॉर्म मिलेगा, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तब हमें आउटपुट में कुछ वेवफॉर्म मिल रहा है, यहां पे आउटपुट पे पॉजिटिव साइड कुछ वेवफॉर्म मिल रहा है, जो किसके बराबर होगा, ये वीआई में से मैक्सिमम पोटेंशियल कितना निकलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल वी के बराबर निकलेगा, ये ब्रेक, ये मैक्सिमम पोटेंशियल वी यहां पे आ चुका है, तो यहां पे वी पोटेंशियल कुछ हमें मिलेगा फिलहाल पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इनपुट के लिए, ठीक है। अब जब ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तब कुछ करंट फ्लो नहीं करा, यहां से करंट यहां जा रहा है, तब ये कैपेसिटर भी तो चार्ज होगा, कब कहां तक, इसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक, वी तक ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी रिमेनिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, यहां पे प्लस आ गया, यहां पे माइनस आ गया, ये पी के साथ प्लस, एन के साथ माइनस, राइट कनेक्शन, यानी कि ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया यानी करंट फ्लो कराएगा। अब जब भी फॉरवर्ड बायस होता है तब ये आइडियल डायोड बन जाता है, आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो के बराबर, तो जब करंट यहां से निकलेगा, यहां से करंट निकलेगा तब क्या होगा, ये पॉइंट पे करंट सोचेगा कि मैं यहां से ही जाऊंगा, क्यों, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पार्ट सिलेक्ट करता है, यहां पे कुछ रेजिस्टेंस है, यानी करंट पूरा ऐसे करके फ्लो कर जाएगा, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में अब हमें यहां पे करंट फ्लो होगा, यानी हमें कुछ आउटपुट मिलने वाला नहीं, नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं, लेकिन उसी टाइम ये कैपेसिटर ने तो कुछ पोटेंशियल स्टोर करके रखा था, तो ये पोटेंशियल अब इसे देगा यानी पहले ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसने वी तो देके रखा था, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो हमारा कैपेसिटर है उसने कुछ एनर्जी स्टोर करी थी, कुछ पोटेंशियल स्टोर किया था, वो पोटेंशियल इसे दे देगा, यानी प्लस वी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 2V का आउटपुट मिल जाएगा, प्लस 2V का आउटपुट मिल जाएगा, जिससे करके इसकी डीसी लेवल शिफ्ट हो जाएगी। तो एग्जाम में आपको इतना लिखना है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।